के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें कि है कि नहीं। अगर आपका नाम इस लिस्ट में आ जाता है तो सरकार आपको 4 महीने में 2000 रुपये देती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है पीएम किसान। टाइप करने के बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर वाले वेबसाइट पीएम किसान पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा बेनिफिशियरी लिस्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि तहसील को सेलेक्ट कर लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से अपने विलेज को सेलेक्ट कर लेना है। विलेज को सेलेक्ट करने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपके गांव में जिन जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में होगा उन सभी का नाम यहां पर आ जाएगा। तो यहां से आपको अपना नाम ढूंढ लेना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिस्ट में देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।